हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी क्लास टेंथ की तैयारी? और एपी का जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था आपके लिए, एपी में आगे बढ़ते हुए कुछ एमसीक्यूज आज हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा पहला वीडियो एमसीक्यूज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वो ले रहा हूं जो पीछे के 5 ईयर्स में रिपीट हुए होंगे। आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर्स उठा के, ओके। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी आर द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। यानी कि 3 डिजिट्स के जो दुनिया में सारे नंबर हैं, 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर होगा आपके पास 100, बट 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट के वो नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हैं, वो कितने नंबर हैं आपको ये बताना है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो देखिएगा ऑप्शन आपके पास है, क्या 107 नंबर है, क्या 119 नंबर है, क्या 128 है, क्या 132 नंबर है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी एपी बनाते हैं। एपी बनाने का मतलब ये हुआ कि हम वो नंबर्स फाइंड आउट करते हैं 3 डिजिट्स के जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो 3 डिजिट का पहला नंबर मेरे पास होता है बच्चों 100, और मेरे पास 3 डिजिट का लास्ट नंबर होता है 999, राइट और नॉट। 3 डिजिट्स के सारे नंबर इसके बीच में आते हैं मेरे पास। दिस इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, दिस इज ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। आपको इन नंबर्स के बीच में देखना है कि आपका 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो कौन सा है। ये भी कंडीशन है आपके पास, दो कंडीशन है, नंबर शुड बी ऑफ 3 डिजिट और शुड बी डिविजिबल बाय 7। तो देखिए क्या 100 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है। आप कहेंगे सर आप कैसे पता कर रहे हैं, मैं दिमाग में डिविजन कर रहा हूं, आप भी करिएगा, ठीक है ना। तो 105 जो है वो डिविजिबल होगा 7 से, तो 105 पे आगे हम टिक लगा देंगे, दिस इज डिविजिबल। सो मेरी एपी का पहला जो नंबर बनेगा वो 105 आपके पास नंबर आ जाएगा। यानी कि 3 डिजिट का पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 105 है। अब नेक्स्ट नंबर आपको पता करना है तो 7 प्लस कर दीजिएगा, राइट, तो 112 आ जाएगा, राइट। अब तो 7 7 प्लस करते चले, 7 का टेबल ही तो चल रहा है, ओके। देन 119 हो गया। अब मेरे पास फिर से एक चैलेंज आ गया कि 999 तो डिविजिबल है नहीं, तो इसको पकड़ने का एक आसान तरीका है। देखिए आप क्या करिए, 999 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 बन जा 729 एंड 74 जा 2819 और 72 जा 14, आपके पास रिमाइंडर कितना बचा है, 5 रिमाइंडर बच गया ना। यानी कि ये नंबर जो है वो 5 रिमाइंडर दे रहा है, यानी कि इस नंबर से 5 नंबर पीछे चलेंगे तो मेरे पास वो नंबर आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा। यानी कि इसमें से 5 माइनस कर दो तो आपके पास आएगा 994 जो नंबर है वो आपका 7 से डिविजिबल होगा। यानी कि लास्ट जो 3 डिजिट का नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल भी होगा वो 994 होगा, राइट। यहां तक कहानी समझ आ गई, आप इन चीजों का सहारा लीजिए इन द बिगिनिंग और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हुए ऐसे क्वेश्चंस को क्विकली सोल्व करने लग जाएंगे। फिर देखिएगा अब आपके पास a इक्वल टू है, मतलब फर्स्ट टर्म मेरी एपी की, और d आपके पास होगा 112। मैं प्रोसेस से कर देता हूं, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 112 माइनस 105। ये आपके पास है a1, दिस इज आपके पास a2, दिस इज a3 और ये आपके पास an है, ये nth टर्म हो गई। यानी कि आपको ये बताना है कि 105 से लेकर 994 तक कितने नंबर जो है वो टोटल है मेरे पास जो कि 7 से डिविजिबल होंगे, राइट। सो हम क्या करेंगे, हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि ये जो टर्म है nth, इसके लिए n की वैल्यू क्या है, आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए अब हम डिवाइड करते हैं, माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे, आपको पता है 7 आएगा बिकॉज 7 ही तो ऐड करते चले हैं मेरे पास, डिफरेंस तो 7 ही है ना। तो चलिए, और ए एन आपके पास है 994, ओके। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी, राइट और नॉट। सिंपल फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला, जो पहला फॉर्मूला मैंने मेरे चैप्टर एक्सप्लेनेशन में समझाया है आपको, अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। एक इससे पहले मैंने वीडियो दिया है आपको, उसमें भी 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले के पीछे 5 साल में रिपीट हुए हैं, ठीक है। सभी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। ए एन क्या है आपके पास, 994 इज इक्वल टू ए आपके पास है 105 प्लस एन माइनस 1 इनटू व्हाट इज द डी, डिफरेंस क्या रहा है, कॉमन डिफरेंस दैट इज 7, राइट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 105 और 7 को इधर ले आइए आप,
मल्टीप्लाई करिए अंदर 105 प्लस 7n माइनस 7, 7 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, जरा ध्यान से देखिएगा, 7 को n से मल्टीप्लाई किया 7n, 7 को माइनस 1 से किया माइनस 7। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा, 994 इज इक्वल टू 98 प्लस 7n, यानी कि आपके पास इक्वेशन बन जाएगा 7n इज इक्वल टू 994 माइनस 98 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 98 हो गया, राइट। सो 7n इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिएगा, 6, 9 और 8 आपके पास डिफरेंस आ गया। नाउ n इज इक्वल टू आपके पास आएगा 896 बाय 7, सो 7 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो n का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 128 नंबर्स आपके होंगे 105 से लेकर 994 तक, जो 7 से डिविजिबल हैं ये नंबर्स होंगे, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन। चलिए समझ आया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया से, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके बुक में, देखिएगा मैं अभी बना देता हूं क्वेश्चन, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 9, तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, सी क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एपी गिवन है, विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, कहता है कि इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो 21 इसकी इस एपी की 21वीं टर्म से 21st टर्म से 120 ज्यादा होगी, 120 मोर होगी। यानी कि कहानी आपके पास ये है कि टी एन कौन सी है वो टर्म जो कि टी 21 प्लस 120 से 20 के इक्वल है, ये कहानी है आपके पास कि nth टर्म वो कौन सी टर्म है जो 21st सम टर्म से 120 ज्यादा है, यानी कि 120th टर्म में 21st टर्म में 120 प्लस कर दे तो वो वाली टर्म बन जाती है, ये हमें पता करना है। देखिएगा सबसे पहले तो एपी लिखते हैं, ऑप्शंस आपके पास गिवन है 11, 21, 31, नन ऑफ दिस। एपी आपके पास है 3, 15, 27 एंड 39, राइट। तो सबसे पहले तो इसकी 21st टर्म निकालिए, हमें 21st टर्म निकालना है, ए इज इक्वल टू है 3 और डी इज इक्वल टू आपके पास आएगा 15 माइनस 3, दैट इज 12, a2 माइनस a1, नो डाउट, ओके। अब निकालना है मुझे t21, t21 क्या होता है जी, देखिए आपको पता है फॉर्मूला, टी एन इज इक्वल टू या ए एन इज इक्वल टू एक ही बात है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, सो टी 21 आपके पास क्या होगा, ए प्लस 20 डी हो जाएगा, यानी कि जो नंबर टी की लेग में बैठा होगा उसमें से एक कम डी के साथ मल्टीप्लाई में आना चाहिए, तो यहां 20 है तो यहां 20, यहां 21 है तो यहां 20 आ जाएगा, सिंपल, ओके। सो टी 21 इक्वल टू आपके पास होगा ए प्लस 20 डी, ए प्लस 20 डी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो देखिएगा आगे कैसे बढ़ेंगे हम, अब ए और यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ए का वैल्यू है आपके पास 3 प्लस डी का वैल्यू आपके पास है 12, राइट। सो ये टर्म मेरे पास आ जाएगा टी 21 इज इक्वल टू 3 प्लस 240, सो टी 21 आपके पास आ गया 243। अब टी 21 का वैल्यू यहां पुट कर दो, यानी कि अब आपको फाइंड आउट करना है टी एन इज इक्वल टू टी 21 प्लस 120। सो टी एन क्या होगा आपके पास, टी एन देखिए, टी एन होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टी 21 का वैल्यू मेरे पास यहां पे आ गया, इसको पुट कर दीजिए 243, राइट, प्लस 120, राइट। अब ए और डी का वैल्यू यहां पे पुट करना है आपको, ए और डी का वैल्यू एपी, तो इसी एपी की बात हो रही है ना, तो ए और डी का वैल्यू तो यही रहेगा आपके पास 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी आपके पास है 12 इज इक्वल टू, यह इनको प्लस कर दीजिएगा 3, 6 और 3, अब 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 प्लस 12 एन माइनस 12, 12 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया n से 12 n आएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 12 आएगा इज इक्वल टू 363, राइट। सो देन 12 n, अब 3 को और 12 को
माइनस कर लीजिएगा, ये 3 प्लस का 12 माइनस का, माइनस 9 आ गया आपके पास 363, राइट और नॉट। सो 12n इज इक्वल टू आपके पास आएगा 363 प्लस 9, 9 आप राइट में लेके आएंगे तो 9 प्लस हो जाएगा, राइट। अब यहां पे 9 प्लस कर दीजिएगा, सो आपके पास आया 12n इज इक्वल टू, आप इसको क्विकली सॉल्व करना चाहते हैं करिएगा, मैं तो आपको डिटेल से कर रहा हूं क्योंकि हर बच्चा अलग माइंडसेट लेके बैठा हुआ है, मुझे सब बच्चों को देखते हुए क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, राइट। तो 372 आ गया, सो यहां से आपके पास n का वैल्यू मिल जाएगा आपको 372 डिवाइडेड बाय ये 12 जो मल्टीप्लाई में है ये नीचे आ जाएगा और n इक्वल टू आपके पास आएगा 31 आपका आंसर आ जाएगा। सो देखिए एमसीक्यूज में आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है, 31st टर्म जो होगी वो इस एपी की 21 टर्म से 120 ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखिए क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कहता है इस एपी की, ये देखिएगा एपी आपके पास कौन सी है, दिस इज रिड्यूसिंग एपी, ये एपी रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, 24, 21, 18, 15 लाइक दैट रिड्यूस होती जा रही है एपी, तो इसकी कोई एक टर्म आएगी जो कि नेगेटिव आ जाएगी एक क्राइम के बाद, पहले इसकी टर्म जीरो पे पहुंचेगी, जीरो के बाद नेगेटिव आनी शुरू हो जाएगी, और ये भी जरूरी नहीं है कि जीरो कोई टर्म आए, हो सकता है पॉजिटिव से डायरेक्ट नेगेटिव पे जंप हो जाए, जीरो इसकी कोई टर्म है कि नहीं है मुझे नहीं पता। सो ऑप्शंस आपके पास हैं 7th टर्म, 10th टर्म, 11th टर्म एंड 13th टर्म, तो कौन सी टर्म जो है वो पहली नेगेटिव टर्म होगी आपको ये बताना है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा, तो हम सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं, चलिए पहले ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए 24 है, डी आपका होगा ए 2 माइनस ए 1, यानी ए 2 आपके पास 21 माइनस ए 1 आपके पास 24, तो ये आपके पास माइनस 3 आ गया, यानी कि डी का वैल्यू आपके पास आ गया माइनस 3, ये ए का वैल्यू मेरे काम का है, ये डी का वैल्यू मेरे काम का है। अब मैं पहले एक काम करते हैं कि हम ये सोच लेते हैं कि इस एपी की कोई एक तो टर्म है वो क्या होगी, इस एपी की कौन सी टर्म जीरो है, पहले हम वो पता कर लेते हैं। सो मैं क्या करता हूं, टी एन इज इक्वल टू जीरो, मैंने मान लिया कि इस एपी की कोई टर्म जीरो है, लेट हम लेट कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, हमें पता नहीं है कि जीरो है कि नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं। अब टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो, मैंने टी एन का फॉर्मूला पुट कर दिया, पहले वाला जो फॉर्मूला मेरी जनरल एक्सप्रेशन में वहां पर लिखा हुआ था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो देखिएगा अब आपके पास ए का वैल्यू है 24 प्लस एन तो आपको फाइंड आउट करना है और डी का वैल्यू आपके पास है जी माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले एन के साथ और फिर माइनस 1 के साथ, तो नेक्स्ट स्टेप बनेगा 24 माइनस 3n और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3n बन जाएगा, ध्यान रखना। अब उसके बाद इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा, माइनस 3n और प्लस करने के बाद आप इसको डायरेक्ट राइट में ले जाओ एक ही स्टेप में, माइनस 27, दोनों को प्लस किया 27 हो गया, 27 को राइट में लेके जाऊंगा माइनस 27 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिएगा, वेरी इजी, एक ही स्टेप में काफी सारे काम कर दिए मैंने 3, सो n इज इक्वल टू 9 आ गया आपके पास, यानी कि जो नाइन्थ टर्म है T9 जो है वो जीरो है, नाइन्थ टर्म जो है वो जीरो है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, करते करते नाइन्थ टर्म जीरो आ गई। सो टी 10th टर्म जो होगी दैट विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी कि जीरो के बाद क्या आएगा, नेगेटिव नंबर में चली जाएगी एपी, तो 10th टर्म जो होगी वो नेगेटिव टर्म होगी। सो मेरा आंसर होगा बी, मेरा करेक्ट आंसर है 10th टर्म ऑफ दिस एपी विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने, व्हाट विल बी द 11th टर्म फ्रॉम द एंड, देखिए 11th टर्म की बात हो रही है और एंड से बात हो रही है, ध्यान देना है आपको बात पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको स्पेशली डिस्कस किया था इस टाइप के क्वेश्चन को, मेरा फॉर्मूला जो था एंड फाइंडिंग द एंड टर्म फ्रॉम एन एपी, आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, उसको यहीं पे मेमोराइज करते हैं, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग एपी, एपी आपको ये गिवन है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू 10 और फिर d इज इक्वल टू क्या है, d इज इक्वल टू a 2 माइनस a 1 दैट इज 7 माइनस 10 आपके पास आएगा, d माइनस 3 आ गया, ओके। एंड देन आपके पास है an, an बोल दीजिए इसको, लास्ट टर्म बोल दीजिए, दिस इज माइनस 62,
ये आपके पास माइनस 62 है, राइट right? ओके okay, और आपको पता करना है इलेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड पता करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तीन चीजें मुझे गिवन है, इनको मैं हाईलाइट करके रखता हूं, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसको मेमोराइज करिएगा। देखिए जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला आपके पास होता है ए, यानी कि जनरल फॉर्म किसको बोल रहा हूं मैं, जनरल टर्म टी एन को बोल रहा हूं, यानी कि मैं ए एन को बोल रहा हूं, एक ही बात है। टी एन ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, आपको क्या करना था, इस a की जगह आपको l पुट करना था, लास्ट टर्म जो गिवन थी इस प्लस के साइन को माइनस करना था, बाकी सब एज इट इज रहेगा। n की वैल्यू आपकी जो यहां पूछा गया है वो हो जाएगा, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए n की वैल्यू आपके पास 11 हो जाएगी, क्योंकि आपसे एंड से 11th टर्म पूछी है। ओके सो हम लिखेंगे यहां पे 11th टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू एल, एल का वैल्यू माइनस 62, दिस इज माइनस 62 माइनस एल का वैल्यू आपके पास हो गया 11 माइनस 10 और डी आपके पास है जी माइनस 3, डी का वैल्यू माइनस 3 आपने पुट कर दिया। चलिए माइनस 62 माइनस सॉरी दिस इज 1 नॉट 10, 11 माइनस 1, ओके सो 11 माइनस 1 10 हो गया, 10 इंटू 3 30 हो गया, और ये ब्रैकेट में माइनस 30 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये माइनस 3 है, यहां पे प्लस का 10 बचने वाला है, ये में माइनस साइन है, प्लस 10 यहां बच गया और माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं तो क्या आ रहा है मेरे पास, माइनस 62 माइनस माइनस प्लस 30 आ गया। ओके तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 32, राइट। देखिएगा ऑप्शन में कहां पे है, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया, माइनस 32 जो होगी वो एंड से 11th टर्म, नॉट फ्रॉम बिगिनिंग, एंड से, इस पे फोकस करिएगा और आप इस पे फोकस करिएगा, राइट। ये मैंने आपको फॉर्मूला दिया है 11th टर्म फ्रॉम द एंड या एनी विलिंग टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड आउट करने के लिए। जनरल टर्म के फॉर्मूले में फोकस करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी ऐसा क्वेश्चन करने में। जनरल टर्म का फॉर्मूला और ये nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला, क्या करना है, a और l को चेंज कर दो, a की जगह l लिख दो, प्लस की जगह माइनस, बाकी सब सेम है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, आपको p का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये कह रहे हैं कि p की किस वैल्यू के लिए द नंबर्स 2p माइनस 1 3p प्लस 1 एंड 11 विल बी इन AP, यानी कि आपको क्या कंडीशन क्या गिवन है कि ये जो तीनों नंबर है ये एपी में आपको लेके आने हैं, तो मैं इनको एपी में पुट कर लेता हूं, राइट और नॉट। मैंने तीनों नंबर्स को एपी में ही मान लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अब मैं इनको एपी में मान लेता हूं क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग मुझे पी का वैल्यू निकालना है। देखिए कितने बढ़िया एमसीक्यूज हैं आपके पास, बहुत ही बढ़िया 1 2 3 4 एमसीक्यूज हैं आपके पास, ऑप्शंस एबीसीडी 1 2 3 4। ओके सो अब अगर ये तीन नंबर एपी में है तो सबसे बढ़िया कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखिएगा अगर तीन नंबर एपी में है, अगर मुझे कोई कहता है कि एक्स वाई एंड जेड आर इन एपी, तीन नंबर है एक्स वाई जेड आर इन एपी, तो मैं क्या करूंगा, यहां से इस कहानी को समझने की कोशिश करिएगा आप कि ये मेरा कौन सा टर्म है फर्स्ट, और ये मेरा कौन सा टर्म है सेकेंड, और ये मेरा कौन सा टर्म है थर्ड, राइट और नॉट। यहां से हम एक फार्मूला बनाएंगे, बहुत ही काम आने वाला फार्मूला है। देखिएगा d इज इक्वल टू d होता है, यानी कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है, आप कैसे भी निकाल लें। मैंने d इज इक्वल टू d क्यों लिखा, देखिएगा आप d को ऐसे निकालें a2 माइनस a1, या फिर आप d को ऐसे निकालें a3 माइनस a2, d तो d रहेगा ना, हम d कैसे निकाल रहे हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, a2 माइनस a1 तो d भी d आएगा, और a3 माइनस a2 तो भी d आएगा, और नंबर ap में है ये मुझे गिवन है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई, ए टू का वैल्यू y, ए वन का वैल्यू x, ए थ्री का वैल्यू z, ए टू का वैल्यू y, ठीक है। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है, y का वैल्यू y मैं इधर ले आता हूं, y पहले से एक बैठा है वो y इधर आ गया, प्लस y हो गया इज इक्वल टू z, और x उधर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा,
y प्लस वाई हो गया 2y इज इक्वल टू z प्लस एक्स हो गया, और यहां से y इक्वल टू आपके पास हो गया z प्लस एक्स बाय 2। ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, राइट और नॉट। ये आपके पास बहुत ही बढ़िया एक फॉर्मूला बन गया कि जब किसी एपी में तीन टर्म्स एपी में हो तो आपको क्या करना है कि मिडल टर्म निकालनी हो तो बाकी दोनों टर्म्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, मिडल टर्म की वैल्यू आ जाती है, राइट और नॉट। सो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हम यहां डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ये मेरा वाई हो गया मिडल टर्म, यानी मिडल टर्म इज इक्वल टू 3p प्लस 1 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस बाय 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। या फिर यहां पे आप ये भी कर सकते हैं कि ये क्या है, ये मेरा a1, ये मेरा a2 और ये मेरा a3, या फिर आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लगा दो, एक ही बात है। और ये भी फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो मैं बार बार मेमोराइज करूंगा इस फॉर्मूले को, ध्यान रखिएगा आप। सो मैं यहां ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ओके। इन दोनों से मैंने d निकाला और फिर इन दोनों से मैंने d निकाला, d तो d रहेगा। a2 3p प्लस 1 माइनस a1, जब यहां माइनस करेंगे तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये बाहर वाला माइनस अंदर वाले का साइन चेंज कैसे करेगा। a3 मेरे पास है 11 माइनस a2 क्या है आपके पास 3p प्लस 1 हो गया a2 आपके पास, ठीक है। चलिए अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 3p प्लस 1 माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस 3p माइनस 1, ओके। अब देखिएगा 3p माइनस 2p, p ओनली, 3p में से 2p माइनस किया, ओनली p, 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 11 माइनस 1, सोल्व कर लीजिए, 11 माइनस 1 करूंगा मैं, 10 मेरे पास आएगा, 10 माइनस 3p। अब 3p को लेफ्ट में ले लीजिए, p प्लस 3p इज इक्वल टू 10 और 2 राइट में जाएगा, माइनस हो जाएगा, ओके। सो यहां पे देखो एक्सप्रेशन क्या बन गया मेरे पास, 3p ये हो जाएगा 4p इज इक्वल टू 12, यानी कि p इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी 12 कैसे हो गया भाई, 8 माइनस 2 8, 10 माइनस 2 8 होएगा ना, 8 बाय 4। सो p का वैल्यू आपके पास हो गया जी 2, p का वैल्यू 2 हो गया, कोई बात नहीं, फ्लो फ्लो में हो जाता है बच्चों, इतनी सारी कैलकुलेशन चल रही है, ठीक है। चलिए p का वैल्यू आपके पास 2 हो गया, 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन, b आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे मेरे 5 बेहतरीन क्वेश्चन जो कि लास्ट 5 इयर्स में आपके रिपीट होते रहे हैं क्वेश्चन, और हमेशा रिपीट होते रहेंगे, बिकॉज दे आर द बेस्ट क्वेश्चन, इनमें एक्चुअली एपी का कॉन्सेप्ट दिखता है आपको, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।